सिर्फ चार कच्चे आलू चाहिए और इस तरह से लंबा लंबा काटना और इतना बेहतरीन नाश्ता बनेगा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा बहुत कम समय में। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3-3.5 कप के जितना पानी बॉईल होने रख दिया है। अच्छे से बबल आने लगे हैं आप देख सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, जिससे पानी में अच्छा सा एक नमकीन फ्लेवर आ जाए और हमारे आलूओं में हल्का सा नमक भी चला जाए, फ्लेवरफुल हो जाए। तो अब डाल देते हैं अपने ये जो कटे हुए आलू हैं वो, और इन्हें हमें 50% पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, सिर्फ 50%। तो अभी इनको हम 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे बॉईल होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे एकदम आलू 50% कुक हो चुके हैं और मैंने स्ट्रेन करके गरम ही गरम, अभी इनमें हल्का सा मॉइस्चर है, ऐसे ही मैं इनको मिक्स करूँगी तभी इन पर अच्छे से कोटिंग हो पाएगी। तो ये मेरी 3 चम्मच के जितना मेरा जो है कॉर्नफ्लोर है अरारोट पाउडर, इसी के साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून के जितना अनियन पाउडर। तो यहाँ पे मेरा ये जो अनियन पाउडर है ये मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं करूँगी गार्लिक पाउडर, ये गार्लिक पाउडर मेरा रखा हुआ है, गार्लिक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसका फ्लेवर। थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी इसमें क्योंकि हमने बॉईल करने में भी नमक डाला है, उसी हिसाब से मैंने 1/2 टीस्पून पहले डाला, 1/2 टीस्पून अभी डाल दिया। बहुत थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए, तो ये मैं वाइट पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑर्गेनो लगभग 1 टीस्पून, ऑर्गेनो थोड़ा अच्छा सा डालेंगे, और लगभग 1 टीस्पून के जितना मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, और बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरह से। मतलब अभी गर्म है, हल्का हल्का हाथों से टॉस कर लीजिए या फिर किसी स्पून से टॉस कर लीजिए। तो इनको हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे, सारे आलूओं पर बहुत अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए, और क्योंकि गर्म है तो अभी अच्छे से कोट भी हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरा एक एक आलू बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है हर चीज़ की। अगर आपका जैसे कोट कर रहे हैं मॉइस्चर कम है तो आप कुछ बूंदे पानी की ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मॉइस्चर था तो अच्छे से लिपट गया है। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है, बस थोड़ा गर्म हो जाए फिर इन्हें डीप फ्राई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मेरा ऑयल हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब डालना शुरू करते हैं अपने जो पोटैटोज़ हैं उनको, अभी एकदम हीट होने के बाद हल्का सा फ्लेम कम कर लेंगे और वन बाय वन डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितना नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत अच्छे से कुक भी हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक जो है बर्तन रख रखा है, बस एक बैच और रह गया है, थोड़े से ही रह गए हैं और हमारे रेडी होने वाले हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारे, खस्ता, जो आप कह लीजिए, पोटैटो वेजेस तैयार है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। बस वेजेस बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, आपको छिकल नहीं हटाना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। इतने इजी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।